हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम आज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पे हम पहले स्टार्ट करेंगे चिनाब रिवर्स। आप में से अगर किसी को क्वेश्चन होगा आप हैंड रेज करना, मैं आपके पास। ठीक, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे पहले चिनाब रिवर से। इस तरीके से हमने देखा था जहलिम का ऑरिजन, बाकी रिवर्स का ऑरिजन, रवि का ऑरिजन देखा था। इस तरीके से हम देखेंगे चिनाब रिवर। चिनाब रिवर ऑरिजिनेट कहां से होता है? चिनाब रिवर इट ऑरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास। चिनाब रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम बारालाचा पास, विच इज नियर लाहौल एंड सिप्ती रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी साथ में आप याद रखना, ठीक है ना। चिनाब रिवर जो है इट ऑरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास, विच इज नियर लाहौल एंड सिप्ती रीजन, विच नियर लाहौल एंड सिप्ती रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? बारालाचा पास से। सो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि चिनाब रिवर जो है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा चिनाब रिवर किन हिमालय से ऑरिजिनेट हुआ है, ग्रेटर, मिडल या ट्रांस हिमालय से, कहां से ये ऑरिजिनेट होता है? चिनाब रिवर जो है इट ऑरिजिनेट फ्रॉम मिडल हिमालय। कहां से ऑरिजिनेट होता है? मिडल हिमालय से ये ऑरिजिनेट होता है। और ये जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर, ये रिवर भी जम्मू प्रोविंस का ही है, ठीक है ना। ये भी जम्मू प्रोविंस का ही एक रिवर है। जहलिम कहां का है? वो कश्मीर प्रोविंस का रीजन है। जिस तरीके से जहलिम के बहुत सारे नेम्स थे, इसी तरीके से जो चिनाब रिवर है, चिनाब के भी एक दो नेम है, ठीक है ना। एक इसका नेम है एस्किनी। क्या है? एस्किनी इसका नेम है, एंशिएंट नेम इसका क्या है? एस्किनी। और दूसरा इसका नेम है चंद्रभागा। चंद्रभागा इसका दूसरा नेम है। चंद्रभागा इसको संस्कृत में कहते हैं, ठीक है ना। संस्कृत नेम इसका क्या है? चंद्रभागा। याद रखना, चिनाब रिवर के भी दो नेम्स हैं, और एक एस्किनी और दूसरा चंद्रभागा। चंद्रभागा इसका संस्कृत नेम है। और अब हम देखेंगे ये चंद्रभागा इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। ये जो रिवर चिनाब है ना, रिवर चिनाब इट्स एक्चुअली फॉर्मड ऑफ टू रिवर स्ट्रीम्स। इट इज फॉर्मड बाय टू रिवर स्ट्रीम्स, और वी कैन सी दैट इट कंप्राइज ऑफ टू रिवर स्ट्रीम्स। जो रिवर चिनाब है, इट इज कंप्राइज, इट कंप्राइज ऑफ टू रिवर स्ट्रीम्स। एक का नाम चंद्रा है और दूसरे का नाम बगा है, ठीक। चंद्रा और बगा जो है, ये दोनों वो स्ट्रीम्स हैं जो मिलके, जो यूनाइट होके क्या बनाते हैं? चंद्रभागा। जो यूनाइट होके क्या बनाते हैं? चंद्रभागा। याद रखना, चंद्रभागा हम किसको बोलते हैं? चिनाब को। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि चंद्रा और बगा जो है वो यूनाइट होके क्या बनाते हैं? चिनाब रिवर वो बनाते हैं, ठीक। अब अगर आपसे ये डीप डेप्थ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रा जो है, चंद्रा कहां से ऑरिजिनेट होता है, चंद्रा स्ट्रीम जो है ये कहां से ऑरिजिनेट होती है? चंद्रा जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रताल। कहां? चंद्रताल लेक। चंद्रताल एक लेक है, वहीं से ये ऑरिजिनेट होता है। और ये अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बगा कहां से ऑरिजिनेट होता है, बगा कहां से ऑरिजिनेट होता है? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल लेक, ठीक। चंद्रा फ्रॉम चंद्रताल लेक और बागा फ्रॉम सूर्यताल लेक। लेकिन ये जो दोनों चंद्रताल लेक और सूर्यताल लेक है ना, ये कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? ये ऑरिजिनेट होते हैं बारालाचा से ही। ये भी ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक। इनके आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि जो चंद्रा और बागा हैं, ये भी कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? बारालाचा से ही ऑरिजिनेट होते हैं। कंफ्यूजन मत है, देखिए मैं फिर से आपको समझाऊंगा। मैंने आपको बोला अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रा कहां से ऑरिजिनेट होता है, चंद्रा ऑरिजिनेट होता है चंद्रताल से। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बगा कहां से ऑरिजिनेट होता है, डेप्थ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर आपको लिखना है सूर्यताल लेक, ठीक। और ये जो दोनों लेक्स है ना, ये खुद कहां से ऑरिजिनेट होते हैं? बारालाचा से ऑरिजिनेट होते हैं। इसलिए आप बुक्स में भी देखोगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि चंद्रा और बगा जो है दे ऑरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास, ठीक। कंफ्यूजन मत है पे। नाउ देखिए, ये जो चंद्रा और बागा है, ये यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? चंद्रभागा। लेकिन ये यूनाइट कहां पे होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन ये यूनाइट कहां पे होते हैं? ये यूनाइट होते हैं नियर टंडी रीजन। टंडी पढ़ो या तंदी पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये यूनाइट होते हैं नियर टंडी रीजन। कहां पे? किलोंग में। किलोंग कहां पे है? पता है आपको, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। मैंने आपको बोला चंद्र और बागा जो है यूनाइट होते हैं कहां पे? टंडी में। टंडी में, टंडी कहां पे? किलोंग में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चंद्र बागा यूनाइट होते हैं टंडी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और उसका नाम वहां पे क्या कर पड़ता है? चंद्र बागा। अभी तक दो स्ट्रीम्स अलग हुए, इसका नाम चंद्र है, इसका नाम बागा है। जब यूनाइट हुए टंडी में, टंडी में फिर इसका नाम क्या पड़ता है? चंद्र बागा। नाउ इट फ्लोज थ्रू पंगी वैली। इट फ्लोज थ्रू पंगी वैली।
पंगी वैली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। इट फ्लोस थ्रू पंगी वैली पैरेलल टू पीर पंजाल। जब ये पंगी वैली से फ्लो होता है ना, वहां पे ये पीर पंजाल को पैरेलली रन करता है, पैरेलली फ्लो करता है। एंड इट आल्सो फ्लोस थ्रू चंबा टावन, याद रखना, इट आल्सो फ्लोस थ्रू चंबा टावन, ठीक। दैट इज मैंने आपको बोला था लॉर्ड डलहौसी हिल्स भी, जिसको हम बोलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था, ठीक। नाउ अब बात रही है हमारे जेएंड के स्टेट में इसकी एंट्री कहां पे होती है, हमारे जेएंड के स्टेट में इसकी एंट्री कहां पे होती है। इट एंटर जेएंड के स्टेट नियर पड़ा, नियर पड़ा रीजन। ये पड़ा रीजन कहां पे है, पड़ा है किश्तवाड़ में, कहां पे है, किश्तवाड़, KISHTWR, किश्तवाड़। हमारे जेएंड के स्टेट में इसकी एंट्री कहां पे होती है, पड़ा रीजन में, पड़ा में रीजन में होती है। वो कहां पे, पड़ा कहां पे है, किश्तवाड़ में। एंड अज्यूम्स द नेम चिनाब, और यही पे पड़ा रीजन में ही इसका नेम क्या चेंज होता है एज चिनाब, यानी कि पड़ा रीजन तक इसका नाम क्या होता है, चंद्रबागा। और जब ये फिर जेएंड के स्टेट में इसकी एंट्री होती है पड़ा रीजन में, पड़ा रीजन से आगे आगे जो इसका नाम पड़ता है फिर वो है चिनाब रिवर, यानी कि पड़ा रीजन में ही इसका नेम चिनाब पड़ता है। आपको एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि जब ये पड़ा रीजन में इसकी एंट्री होती है ना, वहां पे इट कट से डीप जारेज, वहां पे एक डीप जारेज बनाता है। क्या बनाता है, इट कट से डीप जारेज। जारेज पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, इट्स ए नैरो पैसेज बिटवीन टू हिल्स और बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है। नाउ बेसिन कंट्रीज, बेसिन कंट्री फ्लो कहां कहां पे होता है, इंडिया में भी फ्लो होता है और पाकिस्तान में भी फ्लो होता है। और नाउ इसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 1180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेएंड के स्टेट में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, आप क्या बोलोगे, शाबाश 504 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 504 किलोमीटर, 504 किलोमीटर इसकी लेंथ है कहां पे, जेएंड के स्टेट में। नाउ इट क्रॉसेस, अब हम देखेंगे ये जम्मू रीजन में कहां कहां से फ्लो होता है, ठीक। इट क्रॉसेस डोडा, रामबन, किश्तवाड़ से तो ये आता ही है, ठीक, रियासी, राजौरी और अखनूर, ठीक। इट क्रॉसेस डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी एंड अखनूर। अब यहां पे अखनूर पे, अखनूर कहां पे है, जम्मू में है ना, ठीक। देखिए ये जो अखनूर है, अखनूर तक जब ये पडर रीजन, जब ये पडर रीजन में इसकी एंट्री होते हैं अखनूर रीजन तक, इट फ्लोस थ्रू रफ माउंटेन्स, इट फ्लोस थ्रू रॉकी माउंटेन्स, इट फ्लोस थ्रू रॉकी माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पे प्लेन एरिया इसका नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लेन एरिया नहीं है। किश्तवाड़ रीजन से, पड़ा रीजन से लेकर अखनूर रीजन तक यहाँ पे सिर्फ क्या है, रफ माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स है। और ये जो रिवर चिनाब है, इट फ्लोस थ्रू रॉकी माउंटेन्स, ठीक। और जब ये अखनूर रीजन में पूछता है, जब ये अखनूर रीजन में पूछता है यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे इसकी एंट्री प्लेन एरिया में होती है, ठीक। जो जेएंडके का प्लेन रीजन है ना, प्लेन रीजन में फिर इसकी एंट्री होती है, यानी कि अखनूर रीजन तक ये थ्रू रॉकी माउंटेन्स ये फ्लो होता है, ठीक। और इसका फ्लो भी वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक, ये फास्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक। नाउ अखनूर रीजन में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अखनूर रीजन में ही चुनाव जो है इसकी, मतलब ये इसका एंड पॉइंट है, जेएंडके स्टेट में, जेएंडके स्टेट में रिवर चुनाव का एंड पॉइंट है। अब आप बोलोगे इसके बाद ये पानी कहां जाता है, हवा में चले जाता है, नहीं। देखिए जब ये अखनूर रीजन में पहुंचता है, अखनूर रीजन के बाद इट लीव्स फॉर पाकिस्तान, ये कहां जाता है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के सियालकोट रीजन में, कहां जाता है, सियालकोट रीजन में। ये सियालकोट कहां पे, ये है पाकिस्तानी पंजाब में, कहां पे है, पाकिस्तानी पंजाब में है सियालकोट रीजन, पाकिस्तानी पंजाब में जो सियालकोट रीजन है वहीं पे इसकी एंट्री अब होती है पाकिस्तान में, ठीक। आप ये भी कह सकते हो कि अखनूर में इट लीव्स फॉर द प्लेन्स ऑफ पंजाब, ठीक। और कहां पे इसकी एंट्री होती है पाकिस्तान में, सियालकोट में, याद रखा ना, कंफ्यूजन मत है कहीं पे, अब कंफ्यूजन मत है, चलो ठीक। फाइनली, फाइनली क्या होता है, इट जॉइनस सतलज, फाइनली इट जॉइनस इंडस रिवर सिस्टम हम कहेंगे, क्योंकि सतलज भी इंडस का ही एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक। फाइनली इट जॉइनस सतलज रिवर, फाइनली कहां किसके साथ ज्वाइन करता है, सतलज रिवर के साथ, लेकिन कहां पे ज्वाइन करता है, पाकिस्तान में ज्वाइन करता है सतलज रिवर के साथ, ठीक। जब ये पाकिस्तान की प्लेन्स में जाते हैं ना, वहीं पे ये फिर ज्वाइन होता है किसके साथ, सतलज रिवर के साथ। लेकिन सतलज रिवर के साथ ज्वाइन होने से पहले ये किसका पानी लेता है, इट रिसीव्स वाटर ऑफ रिवर जहलम एंड रिवर रवि, याद रखा ना, सतलज रिवर के साथ मिलने, सतलज रिवर के साथ मिलने से पहले ये पानी रिसीव करता है किसका, रवि और जहलम रिवर का। नाउ अब हम अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज ये सारे, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, आप बोलोगे सर इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज आपने क्यों यहाँ पे लिखी है, देखिए मेरा काम यह है कि मैं आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करूँ, फिर आप भी मर्जी आप कितना याद रखोगे, बेहतर यही होगा कि आप सारे ट्रिब्यूटरीज याद रखो।
ये जरूरी नहीं है कि मतलब सारे आपके दिमाग में जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूटरीज इसमें वो आपको याद रखने हैं, और बाकी पे भी आपकी जो नजर है वो होनी चाहिए। ठीक, देखिए ट्रिब्यूट क्या, वाड़मन, वाड़मन रिवर, तवी रिवर, मनावर रिवर, सॉरी मनावर तवी रिवर इसको बोलते हैं। ठीक, मियार नाला, मारसुदार, भूट नाला, लिद्रारी, थायरोट, नीरू, सुहाग। अब आप बोलोगे इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। ठीक, वाड़मन तो पहले नंबर पे आते हैं, आपको जरूर याद रखने वाड़मन। ठीक, दूसरा है तवी रिवर। तवी रिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तवी रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो रिवर तवी है इट इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। याद रखना रिवर तवी जो है इट इज मेजर राइट बैंक, सॉरी इट्स मेजर लेफ्ट बैंक, इट्स मेजर लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब। अब आप ये बोलोगे कि मारसुदार इंपॉर्टेंट क्यों है? मारसुदार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब। याद रखा ना, देखिए तवी रिवर जो है इट इज मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब, और जो मारसुदार है मारसुदार इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। नाउ देखिए इसके ऊपर कुछ डैम्स भी बनाए गए हैं, जिसकी चेनाब रिवर के ऊपर कुछ डैम्स की कंस्ट्रक्शन भी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो सलाल जो है, सलाल का एक सेकंड, सलाल कहां पे है? सलाल है रियासी में। कहां पे सलाल डैम? सलाल डैम है रियासी में। दुलस्ती कहां पे है? दुलस्ती है किश्तवाड़ में। कहां पे है? किश्तवाड़ में। शाबाश। पक्कलकुल डैम कहां पे है? पक्कलकुल डैम है किश्तवाड़ में, ये भी है किश्तवाड़ में। ठीक, पक्कलकुल डैम है किश्तवाड़ में। रटल भी है किश्तवाड़ में, यहां से आसान हो जाएगा आपका काम। कवार जो है कवार भी है किश्तवाड़ में, और किरू जो है किरू भी है किश्तवाड़ में। ठीक, बागलियार कहां पे? क्विज में हम बार बार पूछ रहे थे आपकी क्लास फोर्थ के क्विज में, रामबन में। ठीक हो गया ये सलाल डैम दुलहस्ती, और क्या है ये? सलाल डैम दुलहस्ती, पक्कलकुल डैम और पक्कलधुल डैम है, सॉरी रटल डैम और कवार, किरू, बागलियार। देखिये ये आपका काम इससे आसान हो जाएगा, यहां से दुलहस्ती से लेकर जो किरू तक ये सारी किश्तवाड़ है। ठीक, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सलाल डैम जो है ना, सलाल डैम ये फर्स्ट डैम है, ये फर्स्ट डैम है। कौन सा फर्स्ट डैम? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में बनाया था। इट वॉज द फर्स्ट डैम, इट वॉज द फर्स्ट डैम विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन J&K। ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी बनाया गया था, याद रखना है, ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी बनाया गया था। कौन? सलाल डैम। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? शाबाश, अगर किसी को बताएगा कमेंट में बताएगा। इसकी कैपेसिटी है 690 मीटर। और एक बात देखिए, कुछ मतलब पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मतलब मैंने आपको यहाँ पे नहीं बोलूंगे चेनाब रिवर के बारे में, अगर किसी फ्रेंड को पता हो ना, किसी भाई बहन को पता हो तो फिर वो भी शेयर करना चाहिए ना, कमेंट्स में शेयर करो या हमारे जो ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करो। ठीक, नाउ दुलहस्ती भी कहां पे है? दुलहस्ती भी कहां है? किश्तवाड़ में ही है। और अब पक्कलकुल डैम, दुलहस्ती का कैपेसिटी कितना है? 390 मेगावाट। इसका है 690 मेगावाट। और अब हम पक्कलकुल डैम, पक्कलकुल डैम कहां पे है? ये है किश्तवाड़ में, पक्कलकुल डैम है किश्तवाड़ में। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पक्कलकुल डैम किस रिवर पे बनाया गया है? ये क्वेश्चन SSB ने किसी पेपर में पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा था। पक्कलकुल डैम है मारसुदार रिवर पे। किस पे है? मारसुदार, मारसुदार रिवर पे है पक्कलकुल डैम। याद रखा ना, मारसुदार रिवर पे है पक्कलकुल डैम। अब है रटल डैम, ये रटल डैम कहां पे है? रटल डैम है किश्तवाड़ में, लेकिन कहां पे है? धर्मशाला में है। ठीक, धर्मशाला में एक किश्तवाड़ में एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला, वही पे है कौन? रटल डैम। अब है कवार, कवार है किश्तवाड़ में ऐसे ही। और अब क्या है? किरू, किरू भी किश्तवाड़ में। बागलियार कहां पे है? रामबन में। और कुछ मत रह गया, एक सेकंड में काफी अपनी चेक करता हूं कहां पे लिखा था मैंने चेनाब, चेनाब कहां पे लिखा था। नोट करो अगर आपको कोई पॉइंट नोट करना है। बस इतना ही काफी। ठीक, नाउ इसके ऊपर कुछ ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। पहले इस पे 4 ब्रिजेस बनाए गए थे, कितने? 4 ब्रिजेस इस पे बनाए गए थे, 4 ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हुई थी।
अब रिसेंटली कहा जाता है कि इस पे पांचवा ब्रिज भी कोई ऐड हुआ है, इसका नाम मुझे भी पता नहीं है, पांच ब्रिजेस लेकिन इस पे आज है, प्रेजेंट इस पे आज पांच ब्रिजेस हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे फेमस ब्रिज है हमारे जैन के स्टेट में, दैट इज चुनाब रेल ब्रिज। ये चुनाब रेल ब्रिज क्या है, ये चुनाब रेल ब्रिज एक रेल ब्रिज है, ये एक स्टील का बना हुआ, ठीक है ना, स्टील रेल ब्रिज है, इंडियन स्टील रेल ब्रिज है, यानी कि ये इंडिया ने बनाया, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान में भी है चुनाब का, और वहां पे भी कुछ इसके ऊपर कुछ ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, वहां पे भी कुछ डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ जैन के स्टेट का ही पढ़ना है, इंडिया का ही पढ़ना है। चिनाब रेल ब्रिज है एक इंडियन रेल ब्रिज है, एक स्टील रेल ब्रिज है, और ये कहां पे है, इट इज बिटवीन बकल एंड क्वारी, इट इज बिटवीन बकल एंड क्वारी। ये बकल एंड क्वारी कहां पे है, रियासी में। हम सिंपली ये कहेंगे कि चिनाब रेल ब्रिज जो है ये कंस्ट्रक्ट कहां पे हुआ है, रियासी में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, और इसकी जो लेंथ दैट इज 359 मीटर। आप 360 भी याद रख सकते हो, सिंपली 360 भी अगर याद रखोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके साथ अप्रोक्सीमेटली आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली 360 और ये 59 आपको मुश्किल होगा याद रखने में, ठीक। 480 मीटर इसकी हाइट है, एंड इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, क्रून चिनाब रेल ब्रिज जो इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। और भी एक ब्रिज है पाकिस्तान में इसके ऊपर, उसका नाम है चाइनॉट, क्या उसका नाम है, चाइनॉट उसका नाम है, ठीक, चाइनॉट उस ब्रिज का नाम है, लेकिन वो रेल ब्रिज नहीं है, वो सीधे वो मोटर है, वो एक ब्रिज। तो आज पहले हमने चिनाब रिवर डिस्कस किया, फिलहाल इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे चिनाब रिवर में, अब हम देखेंगे रिवर तवी। नाउ इट पास थ्रू रामनगर, चुनानी, उधमपुर, जिंद्रा, नगरोटा, जम्मू से ये पास होता है, कहां कहां से, रामनगर, चुनानी, उधमपुर, जिंद्रा, नगरोटा, जम्मू से ये पास होता है। और ये जो रिवर तो ये ज्वाइन करता है किसके साथ, चिनाब रिवर के साथ, कहां पे ज्वाइन करता है, सियालकोट में। सियालकोट कहां पे है, पंजाब में। क्या ये इंडिया वाला पंजाब है, नहीं, पाकिस्तानी पंजाब में ये वहां पे उसके साथ ज्वाइन करता है, ठीक, पाकिस्तानी पंजाब, दैट इज प्लेन्स ऑफ पंजाब में उसके साथ ज्वाइन करता है। रिवर तवी जो है ये चुनाब के साथ कहां पे मिलता है, सियालकोट पाकिस्तान में उसके साथ मिलता है, और इसके ऊपर चुनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है ना, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई किसकी, चुनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। ये चुनानी में है, ठीक, चुनानी में है, इसलिए इसका नाम क्या है, चुनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। चुनानी कहां पे है, शाबाश, उधमपुर में, ठीक, ये मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, चनानी कहाँ पे है, बाकी सारे भी जैसे होते हैं यहाँ पे, मैंने आपको भी आपको बोला बदरवाह कहाँ पे है, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। इट डिवाइड्स जम्मू सिटी इन टू पार्ट्स, ये जो रिवर तवी है ये जम्मू सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक न्यू सिटी, ठीक है ना, न्यू सिटी ऑफ जम्मू, और दूसरा ओल्ड सिटी ऑफ जम्मू, याद रखा ना, ठीक। इट डिवाइड्स रिवर जम्मू, सॉरी, इट डिवाइड्स जम्मू इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड सिटी ऑफ जम्मू एंड न्यू सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है, यहां तक। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज सैक्रेड एंड होली रिवर, इसको होली रिवर माना जाता है, ठीक, जो जम्मू रीजन के कुछ लोग हैं, हाँ, यस, हाँ, जो जम्मू रीजन के कुछ जो लोग हैं वो इसको होली रिवर मानते हैं, ठीक है ना, वो इसमें एक होली डिप लगाते हैं, वो जो ऐसे करते हैं ना, वो डुबकी लगाते हैं ना, ठीक, हाँ, बात करते हैं इसमें, होली बात करते हैं किस रिवर में, इस रिवर तवी में। वो क्या कहते हैं कि वो इसको होली रिवर क्यों मानते, देखिए जम्मू में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा प्यार देव, क्या उसका नाम था, प्यार देवता, राजा प्यार देवता उसका नाम था, वो एक मतलब सेंट भी था, ठीक, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, मतलब वो एक पीर बाबा था, जो मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं वो पीर बाबा था, जिसको लोग बहुत मानते हैं, ठीक, वो ये बोलते हैं कि राजा प्यार देवता जो है, राजा प्यार देवता ने तवी रिवर को जम्मू लाया, राजा प्यार देवता ने रिवर तवी को जम्मू लाया, किस लिए लाया, क्योंकि उसका फादर उस वक्त बीमार था, उसको कोई डिजीज लगी थी, उसको कोई बीमारी लगी थी, वही डिजीज क्योर करने के लिए राजा प्यार देवता ने इस रिवर तवी को जम्मू लाया, ठीक, कहां से, डोडा से जम्मू लाया, इसलिए वो अब इसमें क्या डुबकी लगाते वगैरह, ठीक। नाउ इसके ऊपर 4-5 ब्रिजेस बनाए गए हैं, सॉरी, अभी मैंने वहां पे आपको बोला ना चिनाब रिवर पे 4-5 ब्रिजेस हैं, उस पे 4-5 ब्रिजेस, मुझे याद नहीं कितने ब्रिज हैं, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो मैंने आपको बोला ना, वो रेल ब्रिज का मैंने आपको बोला, वो चाइनॉट ब्रिज का बोला, वो हाँ उस पे कंस्ट्रक्ट है, लेकिन मतलब संख्या में नहीं बता सकता कि कितने, 4 हैं 5 हैं, ठीक, वो मैं नहीं बता सकता, वो मुझे वहां पे थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक, 4-5 ब्रिजेस हैं, लेकिन वो तवी रिवर के ऊपर है, वो चिनाब रिवर के ऊपर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक, वहां पे आप उसको रब करना, ठीक, वो जो बाकी है ना, वो रेल ब्रिज,
और वो क्या उसको बोलते हैं चनाब रेल ब्रिज, और वो जो चाइना ने बोला वो है वैसे ही रखना ठीक, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है ठीक। नाउ आर्टिफिशियल लेक, ये जो रिवर तवी ना, रिवर तवी में गवर्नमेंट ऑफ जैन की जो है वो आर्टिफिशियल लेक बना रही है। क्या बना रही है? आर्टिफिशियल लेक बना रही है कहां पे? भगवती नगर में। कहां पे? भगवती नगर जम्मू में। वो एक क्या बना रहे हैं इसमें? भगवती नगर, एक सेकंड, भगवती नगर जम्मू में है। हाँ, भगवती नगर जम्मू में ही है ठीक। जो गवर्नमेंट ऑफ जैन के है वो क्या बना रहे हैं? आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं। किसमें? तवी रिवर में वो आर्टिफिशियल लेक बना रहे हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, ठीक है ना, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। इसलिए वो वहां पर क्या बना रहे हैं? आर्टिफिशियल लेक। कहां पे? भगवती नगर जम्मू में। और ये जो मैंने आपको बोला 4 to 5 ब्रिज इसके ऊपर है, इसमें से एक फेमस ब्रिज है गुजर नगर ब्रिज, ये कहा जाता है, पूछा जा सकता है कभी कभार, ये मतलब पूछा भी गया है मॉक्स में, मैंने बहुत बार देखा कि गुजर नगर ब्रिज कहां पे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा ठीक। गुजर नगर ब्रिज है जम्मू में। ये था ऑल अबाउट दिस रिवर तवी। नाउ वी विल डिस्कस मार्सुदा रिवर। किसका? चिनाब का। और इसका ओरिजिन कहां पे? लाहौल वैली में। दैट्स, ये भी ओरिजिनेट होता है कहां पे? लाहौल एंड सिप्ती रीजन में ये भी ओरिजिनेट होता है। और ये जो मार्सुदा रिवर है, इट्स आल्सो कंप्राइज, इट आल्सो कंप्राइज ऑफ टू स्ट्रीम्स, इट्स आल्सो फॉर्मड बाय टू स्ट्रीम्स। एक का नाम है बटकोट और दूसरे का नाम है गुंबर स्ट्रीम, ठीक है ना। ये जो बटकोट स्ट्रीम और गुंबर स्ट्रीम जब मिलते हैं ना, ये बनाते हैं गर रिवर। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वारनन रिवर। क्या बोलते हैं? वारनन रिवर। इसी वारनन रिवर को लवर कोर्स में, जब ये नीचे फ्लो होते हैं ना लवर कोर्स में, फिर इसी को हम बोलते हैं मारुसुदा रिवर ठीक। जब ये लवर कोर्स में आता है, जब ये नीचे आता है वारनन रिवर, इसको हम क्या बोलते हैं? मारुसुदा रिवर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसका जो कैचमेंट है, जो मारुसुदा रिवर का जो कैचमेंट है, दैट इज फैन शिपर। और ये जो मारुसुदा रिवर है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑलमोस्ट ये फ्लो होता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये ऑलमोस्ट फ्लो होता है। और इसका जो कैचमेंट है, दैट इज फैन शिपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक। और इसका जो मारुसुदा रिवर का जो अपर पार्ट है, मारुसुदा रिवर का जो अपर पार्ट है, दैट इज कवर्ड विद ग्लेशियर। वो किसके साथ कवर्ड है? ग्लेशियर का, ग्लेशियर के साथ। मारुसुदा रिवर का जो अपर पार्ट है, दैट इज कवर्ड विद ग्लेशियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस मारुसुदा रिवर। अब रह गया हमारा उज शयोक। सिंध भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंध एक्चुअली वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक रिवर है, लेकिन कुछ मतलब वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेट है किसके साथ? जैन के, इसलिए वो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ पार्ट 3 जो इसका है वो जल्दी आएगा, वो मैं आज ही बना के रखूंगा और कल अपलोड करूंगा ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।